मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुंगावली विधानसभा के ग्राम रीछा के ग्रामीणों का कहना है, रोड नहीं तो वोट नहीं। आजादी के बाद से आज तक रीछा में सड़क नहीं बनी है। जहां एक ओर निर्वाचन आयोग एवं प्रशासनिक अधिकारी आने वाली 28 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं मुंगावली विधानसभा के रीछा गांव में ग्रामीणों ने निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए मतदान बहिष्कार करने के स्लोगन दीवारों पर लिख दिए हैं। ग्रामीणों ने अपने घरों की दीवारों पर लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस गांव के लोगों ने बताया कि आजादी के बाद से आज तक कई विधायक व सांसद तो हमने बना दिए, लेकिन हमारे गांव में सड़क नहीं बनी। हमारे गांव में साहब बिल्कुल सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। न शौचालय है, न कुटीरें हैं, न खड़ंजा है, रोड तक नहीं है। हमारे जो मरीज हो, औरतें बच्चा हुए, खड़ियों पर कंधों पर रख रख के वहाँ ले जाते हैं। 2-2 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर वहाँ पर घर ले जाते हैं। मतलब यहाँ से बहुत परेशानी है जी। मुख्यमंत्री योजना की सड़क बढ़वाए से रेछा जुड़ी, प्रधानमंत्री सड़क बढ़वा से रेछा जुड़ी, आज तक न सड़क है न कोई है। वो पेपरों में वो ब्लॉकों में टांग दी साहब लिस्ट है, तो यहाँ से ऐसा ऐसा है, मानो है ना जाना कुछ नहीं। वो पिए जल समस्या, हमें पशुधन बहुत भयभीत, तो मरण लगे, पानी नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता विक्रम यादव ने बताया कि ग्रामीणों की बातें सुनने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि 28 नवंबर को मतदान के दिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस गांव में मतदान कराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रीछा गांव में कोई सुविधा न होने के कारण कोई भी व्यक्ति हमारे यहां शादी के संबंध लेकर नहीं आता, जिसके चलते आज भी हमारे लड़के कुंवारे घूम रहे हैं।
देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।